ले जनाब, आर के सिंटैक्स की तरफ चलते हैं और आर का सिंटैक्स कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रिंट की कमांड कब लगनी है और इक्वल टू का क्या मकसद है, कंडीशनल ऑपरेटर्स या बाकी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्यों होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। स्क्रीन आपके सामने मैं अभी शो कर देता हूँ एंड यू विल सी लाइक दिस। स्क्रीन आ रही है जी नज़र? ऑफकोर्स आ रही होगी। अब ये जो मैंने लिखा था पिछले जब मैं बता रहा था आपको सिंटैक्स को समझना, तो मैंने लिखा था प्लीज ऐड 2 in 3, ठीक है। इसके बजाय 2+3 अगर हम लिखें और इसको मैं रन करूं यहां पे क्लिक करके, यहां पे आप नजर रखिएगा 5 आ गया, इसने कोई एरर नहीं दी, ठीक है। अच्छा मैं पीछे इसके लिखता हूं प्लीज, फिर एरर दे रहा है। इसका मतलब है कि इसके लिए इतना काफी है कि 2+3 लिख दो, दैट्स इट। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मेरी समझ के लिए फ्यूचर में मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं इस लाइन में, उसको बोला जाता है कमेंट, कमेंट, ठीक है। उसके लिए आप हैशटैग लगाते हैं और यहां पे लिखते हैं वी एडिट 2 in 3, इसको बोला जाता है कमेंट। एंड ये कमेंट जो है बेसिकली ये यूजर्स के लिए होता है, समझने के लिए कि इस लाइन में क्या है। दिस लाइन आफ्टर दिस हैशटैग इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। लेकिन मैं रन पे क्लिक करता हूं तो 5 ही आएगा, लाइन ये वाली रन हो रही है, आर इसको समझ रहा है और आर को हमने इंटेंशनली बता दिया ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसको ना छेड़ना, ठीक है। यही चीज मैं यहां से उठा के लाइन फर्स्ट में भी लिख दूंगा कि मैं अब ऐड करूंगा 2 में 3 को और ये इस लाइन में ये है। सो अगर मैं इन सभी को सिलेक्ट करके रन करूंगा, यू विल सी कि ये दोनों लाइनें रन हो रही हैं लेकिन इसका एग्जीक्यूशन के बाद आंसर आ रहा है 5, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कमेंट्स, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, बजाय इसके मैं कहता हूं वी विल एड एक्स इन वाई, ठीक है। अब समझिएगा एक्स वाई क्या है, बड़ी गौर से देखिएगा। यहां पे कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाता हूं मैं पहले, यहां पे मैं लिखता हूं एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3, समझ आ गई बात की। और नीचे मैं एक्स प्लस वाई लिखता हूं, सेम वही चीज है लेकिन हमने 2 और 3 को एक छोटे से कंटेनर में डाल दिया, अ स्मॉल कंटेनर। उस कंटेनर को वेरिएबल बोला जाता है, सिंपल। अब मैं आपको समझाऊं वेरिएबल और अच्छे तरीके से, ये आपके कॉलम के नेम्स भी होते हैं अक्सर औकात, ठीक है। और अगर आप इसको स्टोर करें एक्स में तो ये ऑब्जेक्ट भी कहलाते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली आपके डेटा के हेडर्स, आपके कॉलम्स के हेडर्स। जब आप बड़े डेटा को इंपोर्ट करेंगे दे विल कम यूजुअली लाइक दिस, एक्स की बजाय आपका से फॉर एग्जाम्पल ऑथर नेम हो सकता है, ईयर्स हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आप उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर लगा सके दैट्स वेल एंड गुड, नहीं लगा सकेंगे सो यू विल यूज सम अदर ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक क्या होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, प्लस माइनस डिविजन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन एंड इसी तरीके से बाकी भी होते हैं। अब एक्स प्लस वाई मैंने जैसे किया, यू विल सी कि मैं रन करता हूं, यहां से मैंने रन किया, उसने कहा एक्स ही नहीं पता मुझे, क्यों, क्योंकि हमने एक्स को भी रन करना है और वाई को भी करना है। सो यूजुअली ये हायरार्किकल रनिंग में जाएगा, ऊपर से नीचे को रन करेंगे आप, पहले एक्स को करेंगे फिर वाई को करेंगे फिर एक्स प्लस वाई। मैं यहां पे कर्सर रखता हूं, एक्स को रन किया, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया और आप देखें कि हमारे पास एक्स की वैल्यू स्टोर हो गई ऑब्जेक्ट के अंदर, एक्स 2 है राइट साइड पे, y 3 है तो मैं इस पे रन करता हूं तो ये y 3 हो गया, ठीक है। x प्लस वाई पे मैं रन करता हूं, नाउ इट विल अंडरस्टैंड कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि उसके पास स्टोर्ड है यहां पे, ऐसे ही है। तो पहले हमने उसको बता दिया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, इनको जमा कर दो, एंड ही डिड इट, ही शी और इट व्हाटएवर आर ने वो कर दिया। अब इन तीनों को अलग अलग रन करने के बजाय मैं इकट्ठा सेलेक्ट करके भी रन कर सकता हूं,
और तेज स्पीड पे करना है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल एंटर एंड रन, ठीक है। सो कंट्रोल एंटर इज एक्चुअली द शॉर्टकट टू रन, हो गया जी, इतनी सी समझ आ गई। अब अगर मैं यहां पे x प्लस वाई के बजाय x माइनस वाई करूं या y माइनस एक्स करूं तो कितना आंसर आएगा y माइनस एक्स का, 1। और इसी को मैं x माइनस वाई करूं तो कितना आएगा, माइनस 1, ठीक है। सो नाउ यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ ऑपरेटर, मैं इसको x मल्टीप्लाइड बाय वाई करता हूं। आपको पता होना चाहिए एस्टेरिक इज यूज एज अ मल्टीप्लीकेशन इन कैलकुलेटर एंड ऑल्सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, 2-3 बार 6 हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले जाऊं, x की पावर y, ये कितना आएगा आंसर इसका, लेट्स सी, 8, 2 की पावर 3, 2 2s are 4, 2s are 8, 2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई करना है आपस में 3 दफा, 2 की पावर 3, समझ आ रहा है ना। मिसाल के तौर पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हमने किया। सो मैं अगर इसको भी रन करूं इसका भी आंसर 8 आएगा सेम, तो ये भी वही चीज है यानी कि 2 की पावर 3, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर 3, ये सेम वही चीज है, सही है। सो मैं इसको एक्स वाई की जुबान में लिख रहा हूं, समझ आ रही बात की। अब मैंने डिवाइड करना है, मैं x डिवाइडेड बाय 3 करता हूं, रन करता हूं, 0.6666 सम, ठीक है, समझ आ गई बात की। सो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रन करते हैं, वी कॉल देम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन हो गया जो मैंने पहले भी बताया, और कैरेट साइन वगैरह, इस तरह के जो भी आप छोटे बहुत थोड़े बहुत जो है वो काम जो करते हैं। अच्छा एक और काम करते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लाइनें छोड़ भी सकता हूँ अपनी मर्जी से, सो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे 15वीं लाइन की बजाय 16वीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखिएगा, 3 मैंने स्टैरिक लगाए, हैशटैग लगाए, अब मैं लिखता हूँ सम अदर ऑपरेटर्स, लिखने के बाद 1, 2, 3, 4 मैंने ये लाइनें लगाई ना, ये चेक कीजिए, ये एक सेक्शन बन गया, अब यहां पे ये एक सेक्शन बन गया, यहां पे ये एक सेक्शन बन गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूं, आप देखें कि यहां पे एरो साइन आ गया। अब अगर मैं स्टार्ट में भी लिखूं यहां पे 1, 2 या 1 भी लगा दें, कोई इशू नहीं है, मैं 2 जानबूझ के लगा रहा था, यहां पर मैं लिखता हूं बेसिक ऑपरेटर्स, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैंने लगाया 1, 2, 3, 4, ये देखिए। अब इसके बाद सॉरी ये स्पेलिंग मुझे गलत लग रहे हैं, यस ई के साथ ये, इसके बाद अब क्या होगा, मैं अगर इसको प्रेस करूंगा तो एक सेक्शन में डिवाइड होगी है वो चीज। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कोलैप्स द हेडिंग और एक्सपेंड दैट हेडिंग, कोलैप्स एक्सपेंड, कोलैप्स एक्सपेंड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं, वरना आप ये देखें इतना कुछ लिखा है, स्क्रोल डाउन करो फिर नीचे जाके उसमें लिखो और वो नीचे रह जाना है। सो इन दिस वे यू क्लिक हियर और यहां पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं यहां पे बताता हूं, यहां पे मैं कहता हूं ए, पहले हमने इक्वल टू यूज किया था 2 करके, मैं ए को अब लेस देन एंड डैश बना के 2 लिखता हूं, यहां पे देखिएगा कुछ होता है कि नहीं, ए 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप इक्वल टू लिखें या ये वाली लेस देन एंड माइनस का साइन यूज करें, दिस इज सिमिलर, एंड इन आर लैंग्वेज ज्यादातर हम ये यूज करते हैं। सो फॉर यू इट वुड बी रियली नाइस अगर आप इसको अपनी हैबिट बनाएं रादर देन यूजिंग इक्वल टू, बी लेस देन इज इक्वल टू 4 प्लस 2। अच्छा मैंने यहां पे 4 प्लस 2 लिखा है, सही है, यहां पे 2 है तो b कितने के बराबर हुआ, ऑटोमेटिकली 6 के हो गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसी के अंदर ही ऑपरेशन हो जाएगा। सो अगर मैं यहां पे b लिखता हूं और मैं इन तीनों को रन करता हूं, लेट्स गो बैक अ बिट,
मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके रन करता हूं, आपके सामने छह का आंसर आ गया, ठीक है। एंड यूजुअली आप बजाय बी लिखने के इसके पीछे प्रिंट भी लिखते हैं, प्रिंट बी, सही है। एंड ये भी आपको सेम आंसर ही देगा, लेकिन आर की खूबसूरती ये है कि अक्सर औकात आपको प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती। एडवांस लेवल पे आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बेसिक लेवल पे कोई इतना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब आपको एक बात की समझ आ गई कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ हम इस तरीके से ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं एंड इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं, एंड देन इट विल बी वर्किंग लाइक दिस। अगर मैं ए एस्टेरिक टू प्लस बी लिखूं, इसका आंसर क्या आएगा? दो दो बार चार जमा छ, दस, ठीक है। सो इसका मतलब है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यू कैन एक्चुअली डू मल्टीपल काइंड ऑफ ऑपरेशन इन वन को। अब देखिएगा, माइनस तीन की पावर टू डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय 300, लेट्स सी, आंसर आपके पास आना ही आना है, जो मर्जी करीजिए। और आपको रूल याद होगा, डेमास रूल एंड बोडमास रूल, याद है? आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आप में से काफी लोग, सेम वही रूल्स यहां पे अप्लाई होते हैं। और आपको पैरेंथेसिस वगैरह भी यूज करनी पड़ती हैं, जैसे मैं कहता हूं कि इसके इर्द गिर्द अगर मैं पैरेंथेसिस लगा दूं, सो नाउ यू विल सी द चेंज यहां पे, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली उस ऑपरेशन को ही पहले स्टार्ट किया था, सो हमारे लिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसके इर्द गिर्द लगा दूं ब्रैकेट, लेट्स सी क्या होता है, अब चेंज हो गई है, क्यों? क्योंकि ऑपरेशनलाइजेशन पहले स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले कोई भी इस तरीके से एक्सपोनेंट काम करता है, फिर आपके पास ब्रैकेट्स आती हैं, ब्रैकेट्स इसने यहाँ पे इंस्टॉल की यूज, एंड देन यू विल सी सम अदर चेंजेस। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, याद रखने की जरूरत नहीं, बट जस्ट टू लेट यू नो कि इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है जी। तो ये हो गए जी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बेस पे ही आपको किसी भी लैंग्वेजेस की बेसिक समझ आती है, ठीक है। आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, देर आर मेनी अदर थिंग्स जो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये तो हमने किए सिर्फ नंबर्स के साथ, बिलीव मी यू कैन डू द सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस इन सिंबल्स एंड सम अदर काइंड ऑफ टेक्स्ट या जो डेटा के टाइप्स होती हैं उनमें भी। तो हम पहले डेटा टाइप्स देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे कि किस किस किस्म के हमारे पास ऑपरेशंस चल सकते हैं। आया कि a इज इक्वल टू a हो तो क्या हम उसमें दो को जमा कर सकते हैं या नहीं, अगर करेंगे तो क्या बनता है, नहीं करते तो क्या बनता है, हम इंशाल्लाह देखते हैं।